दिवाली का त्यौहार भारत वासियों लई सद्भावना प्रेम प्यार ते भाईचारक एकजुटता का प्रगटावा है। एक कौमी एकते की जिउंदी जागती मिसाल है। भारत के मूल सिद्धांत अनुसार वख-वख धर्मां दे लोग वख-वख तरीकियां दे नाल इस त्यौहार नूं मना के अपनी खुशी का प्रगटावा करते हैं। ते दिवाली दे इस पावन त्यौहार ते आओ तुहानू लै चलिए सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे। ते आओ फिर चलिए ते गुरु घर दे दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाइए। पर उस तो पहला सारे ही दर्शकों नू श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। भारत दे इतिहास विच रोशनियां दे त्यौहार वजो प्रचलित दिवाली दा त्यौहार सर्व धर्मां दे सांझे सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे बड़े ही जाहो जलाल नाल मनाया जांदा है। दिवाली दीरा दिवाली दीरा। इस दिन दी महानता कुछ इस करके भी बढ़ जाती है कि इस दिन सिखा दे छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी 52 राजियां समेत ग्वालियर दे किले विचों रिहा होके आए सन। उन्हां दे रिहा होण दी खुशी विच सिख संगतां वल्लों थां थां दीपमाला कीती गई ते खुशियां मनाईयां गईयां। ए रवायती परंपरा सदियां बाद भी उसे माण मर्यादा नाल अज भी कायम है। देशा विदेशा तो श्रद्धालु दिवाली वाले दिन श्री दरबार साहब नतमस्तक हुंदे ने ते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करदे ने। संगतां दरबार साहब विखे चलदे गुरबाणी दे रश पीने कीर्तन दा आनंद माणदियां ने ते शब्द गुरु द्वारा दर्शाए मार्ग ते चलण दा संकल्प दृढ़ करते ने। श्री दरबार साहब जी दे पवित्र सरोवर विच इशनान करके दुख दलिद्रां नूं दूर करन दी शर्ता पीढ़ी दर पीढ़ी सिख संगतां दे नालों नाल चलती आ रही है। दिवाली दे उत्सव ते श्री दरबार साहब जी नूं एक विशाल दीपमाला नाल सजाया जांदा है। रात नूं आतिशबाजी दा जाहो जलाल वेखण योग हुंदा है। फुलां दी बागात चुन चुन चालियन फुलां दी बागात चुन चुन चालियन दिवाली दीरा। इसे लई एक कहावत मशहूर है जी दाल रोटी कर दी दिवाली अमृतसर। दिवाली दे त्योहार नू लेके हिंदू धर्म विच अथाह श्रद्धा वेखण नू मिलती है। दिवाली दे उत्सव दी हिंदुइज्म विच अपनी वक्री महानता है। हिंदू लोग इस त्योहार नू इस करके शर्ता नाल मनाते ने कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 सालां दा बनवास कट के अयोध्या परते सन। इस तरह रोशनियां दा ए त्योहार
जीवन सफर विच हमेशा ही रोशनियां दे दीवे बालन दा संकल्प दृढ़ करता है, श्रद्धा दा प्रगटावा करता है ते जीवन विच हमेशा ही खुशियां दे प्रकाश दियां इच्छावां लेके आउंदा है। दाल रोटी करती दिवाली अमृतसर दी। अमृतसर दी दिवाली दी अपने आप विच समाजक ते धार्मिक महत्ता है। अमृतसर दी दिवाली नाल जुड़े हुए कुछ होर पहलुआं ते असी झात मारांगे, पर उस तो पहला लवांगे एक निक्की जिही ब्रेक ते मिलांगे इस ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद सारे ही दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। दर्शको, दिवाली के दिनों के बाजारों में एक वक्रा ही जलाओ वेखण नूं मिलता है, तो बाजारों के किस तरह दियां रौनकां हुंदियां ने, आओ तुहानूं लै चलदे हां बाजारों की रौनक दे विच। दिवाली दे उत्सव नूं लै के जिथे समुचे भारत दे लोकां विच चाह उत्साह वेखण नूं मिलदा है, उत्थे ही इस त्यौहार नूं लै के बाजारां विच विलक्खण किस्म दियां रौनकां वेखण नूं मिलदियां ने। मठियाईयां दियां दुकानां सजाईयां जांदियां ने ते घरां विच मठियाई खा के खुशी मनाई जांदी है। होर तां होर लोक अपने सक्के सोधरियां नूं भी मठाइयां ते तोहफे भेंट करते ने। बच्चियां विच जिथे पटाके खरीदन दी रुचि वेखण नूं मिलदी है, उत्थे ही कपड़े ते खिडौणियां दियां दुकानां विच वी रौनकां वेखण नूं मिलदियां ने। बाजारां विच चहल पहल इस कदर वध जांदी है कि दुकानदार दोही हत्थी सवाईयां खटियां करते ने। घरां विच मोमबत्तियां दीवे ते लड़ियां दी सजावट कीती जांदी है। कोई समां सी जदों दिवाली दे इस त्यौहार नूं दीवियां दा त्यौहार आख्या जांदा सी, परंतु समें दे बदलाव नाल अज दिवाली दीवियां दी थां लड़ियां ट्यूबां लैंपां अते मोमबत्तियां जगा के मनाई जांदी है। कोई समां सी जदों दिवाली दे उत्साह जोश नूं वेखदियां दीवे तैयार करन वाले कारीगरां दा काम बड़े जोरां शोरां नाल चल पैंदा सी, पर अज आधुनिक समय दियां रोशनियां ने दीवे दी लौ नूं मध्यम पा के रख दित्ता है। वक्त दे बदलाव नाल दीवा बालन दी भावनात्मक शरदा दे घट जाण तों बाद दीवे बनाउण वाले कारीगरां दा काम भी काफी घटिया है। पहले दीवा बहुत लगदा सीगा, हुण लड़ियां मोमबत्तियां चल गईयां ते उहनां दे कारण थोड़ा जिहा घट गया। कुछ तेल का रेट बढ़ गया, वो कारण भी आप लड़िया मोमबत्तियां नहीं कहते, तेल कारण भी देखते हैं कि तेल का रेट बदलने कारण अगले कहते हैं कि असी जे इक्की जगाते ना असी हम दो ही जगा के पास हो जाइए। नहीं अपने दे, अपने देखो जी अपने दीवे तो आप बनाते सके, पहला काफ़ी बिकते सके, कुछ मोमबत्ती करके कुछ अपने लड़िया करके ना अपना कुछ रुजगार घट गया। मुनाफा कुछ नहीं है जी, ये हम मटीरियल सारा महंगा है, उस हिसाब से देखिए तो ना अपनी इन्नी इनकम हो रही है, ना आप काम कर रहे, ना काम भी अपने एक तो लाइट चली जाती है या फिर मीह बदल हो जाते हैं। दिवाली दे इस त्यौहार मौके दीवे जलाउण दी प्रथा दे पिछे कारणां दी पड़चौल करिए तां अंधकार ते प्रकाश दी फतेह दा इह त्यौहार समाज विच बदी ते कुरीतियां दे हनेरे नूं ठल पाउण दा संदेश दिंदा है।
ਦੀ ਲੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਨਿਭੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਰੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੜਖਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਚਾਮ ਮਲਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤੀ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੋਏ ਰਹਿਣ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 604-916-2121। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ shammichaj@lishkara.ca। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।